हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 8, मैपिंग योर वे। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द फोटो एंड इट्स मैप गिवन बिलो। आपको नीचे मैप बताया हुआ है, वो हिसाब से आपको आंसर्स देने हैं। पहले मैप को देखना है, उसके बाद में आंसर्स देने हैं। नीचे दिए हुए क्वेश्चन के आंसर्स देंगे। भी आपको मैप दिखाया है, इसमें मैप ए है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन, विजय चौक, रफी मार्ग, राजपथ, जनपथ, मानसिंह रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, तिलक मार्ग, नेशनल स्टेडियम। वो हिसाब से आपको मैप दिया हुआ है, उसके फोटो से और ये मैप के बारे में ऐसे बताया हुआ है आपको, वो हिसाब से। अभी नीचे ये दिया है, इंडिकेट इंडिया गेट इन द मैप। इंडिया गेट का मैप है ये। अभी आपके मैप के हिसाब से नीचे जो क्वेश्चन आंसर पूछे उसके आंसर्स देने हैं। 1 नंबर से इंडिकेट इंडिया गेट इन द मैप दिया है आप लोगों को। 1 नंबर, 2 नंबर, Name the roads that you will cross on your way from Rashtrapati Bhavan to India Gate. Name the roads that you will cross on your way from Rashtrapati Bhavan to India Gate. भी आपको राष्ट्रपति भवन जाना है तो कौन से रोड से जाएंगे उसके बारे में उसके नेम लिखने हैं। देखो इधर से इंडिया अपने राष्ट्रपति भवन दिया हुआ है तो विजय चौक है, फिर है रफी मार्ग, जनपथ, मानसिंह रोड। वहां से आप लोग राष्ट्रपति भवन इंडिया गेट तक जा सकते हो। 3 नंबर, विच इज द नियरेस्ट राउंड रोड टू राष्ट्रपति भवन। विच इज द नियरेस्ट रोड टू राष्ट्रपति भवन से कौन सा रोड नजदीक है? जनपथ, तिलक मार्ग, रफी मार्ग, कस्तूरबा गांधी मार्ग। तो उससे नजदीक कौन सा रोड है वो बता रहे हैं। राष्ट्रपति भवन है तो ये रफी मार्ग है, रफी मार्ग तो आंसर आएगा रफी मार्ग। 4 नंबर है, विच इज द फार्थेस्ट रोड टू नेशनल स्टेडियम। सबसे दूर है फार्थेस्ट, विच यानी कौन सा सबसे दूर रोड है नेशनल स्टेडियम, इसके बारे में बताना है। 1 नंबर में है जनपथ, तिलक मार्ग, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग। भी आपको नेशनल स्टेडियम है और दूर है वो रफी मार्ग दिख रहा। इसमें आप
जनपद रोड, जनपद यहाँ से स्टेडियम से दूर। फाइव नंबर, व्हाट इज द नियरेस्ट प्लेस टू विजय चौक, विजय चौक के पास में कौन सा स्थल है, कौन सा प्लेस है, तो विजय चौक है। उसके बाद में आपको बता रहा है राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन है। इसमें दिया है नेशनल स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम इधर दिया है। इंडिया गेट है, पेड़ है, राष्ट्रपति भवन, मानसिंह रोड तो अपने को है, विजय चौक से बाजू में दिया हुआ है, नियरेस्ट पास में है राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन। क्वेश्चन नंबर टू, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द मैप गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द मैप गिवन बिलो। अभी आपको मैप दिया हुआ है, उसके हिसाब से नीचे क्वेश्चन पूछे, उसके आंसर देना है। मैप में आपको स्कूल बताई है, स्कूल, शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन, गार्डन, मार्केट, शिशोर। गार्डन है इधर, पहले है स्कूल है, शॉपिंग मॉल है, रेलवे स्टेशन है, गार्डन, मार्केट, शिशोर। समुद्र किनारा दिखाया हुआ है इसमें। अभी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिशा आपको डायरेक्शन बताया हुआ है, वही हिसाब से आपको नीचे से उसके आंसर, क्वेश्चन दिए उसके आंसर देंगे। मैप के, मैप में से देख के आंसर बताने हैं। वन नंबर में, इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल लोकेटेड टू द गार्डन, इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल लोकेटेड टू द गार्डन। अभी गार्डन है आपको बताया है, अभी आपको डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो है कि स्कूल गार्डन से स्कूल कौन से डायरेक्शन यानी दिशा में है, कौन से दिशा में है। तो देखो ये गार्डन है और ये स्कूल है, तो कौन सी दिशा हुई, नॉर्थ, नॉर्थ दिशा हुई, जैसे अपने डायरेक्शन के हिसाब से नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन आएगा, नॉर्थ दिशा। नंबर में, इन विच डायरेक्शन इज द सीशोर लोकेटेड इन द गार्डन, अब ये गार्डन है, सीशोर इधर नीचे है, नीचे की साइड है, तो कौन सी डायरेक्शन कौन सा हुआ, ईस्ट विच नॉर्थ साउथ, साउथ है, साउथ डायरेक्शन, स्कूल है वो नॉर्थ में है, सीशोर वो साउथ में है। थ्री नंबर, इन विच डायरेक्शन इज द मार्केट लोकेटेड टू द गार्डन, इन विच डायरेक्शन इज द मार्केट लोकेटेड टू द गार्डन। ये गार्डन देखना है अपने को, गार्डन कहाँ पे है, ये रहा, तो गार्डन है वो वेस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन पे मार्केट है, मार्केट से गार्डन ही, और ये मार्केट, तो ईस्ट वेस्ट हुई, ए गार्डन है, मार्केट है, तो वेस्ट डायरेक्शन है। वो नंबर, इन विच डायरेक्शन इज द शॉपिंग मॉल लोकेटेड टू द मार्केट, ए मार्केट है और शॉपिंग मॉल ऊपर है, मार्केट, शॉपिंग मॉल, तो शॉपिंग मॉल कौन से डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ पर की तरफ है, नॉर्थ डायरेक्शन। फाइव नंबर, इन विच डायरेक्शन इज द रेलवे स्टेशन लोकेटेड टू गार्डन, रेलवे स्टेशन इधर है, गार्डन इधर है, तो कौन से डायरेक्शन हुआ, ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन हुआ, ईस्ट डायरेक्शन। सिक्स नंबर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द गार्डन एंड स्कूल, अभी गार्डन और स्कूल के बीच में कितना डिस्टेंस है वो बताना है, तो 12
12 किलो सेंटीमीटर बताया है, फोर थ्री जा 12, फोर थ्री जा 12। सेवन नंबर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिशोर एंड रेलवे स्टेशन। शिशोर और रेलवे स्टेशन के बीच में कितना डिस्टेंस बिटवीन बीच का, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिशोर एंड रेलवे स्टेशन 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर। एट नंबर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द गार्डन एंड मार्केट। गार्डन और मार्केट के बीच में कितना डिस्टेंस है बिटवीन बीच का, 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। वन नंबर, इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल लोकेटेड टू गार्डन, नॉर्थ डायरेक्शन। टू नंबर, इन विच डायरेक्शन इज द शिशोर लोकेटेड टू द गार्डन, साउथ डायरेक्शन। थ्री नंबर, इन विच डायरेक्शन इज द मार्केट लोकेटेड टू गार्डन, वेस्ट डायरेक्शन। फोर नंबर, इन विच डायरेक्शन इज द शॉपिंग मॉल लोकेटेड टू द मार्केट, नॉर्थ डायरेक्शन। फाइव नंबर, इन विच डायरेक्शन इज द रेलवे स्टेशन लोकेटेड टू द गार्डन, ईस्ट डायरेक्शन। सिक्स नंबर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द गार्डन एंड स्कूल के बीच में कितना डिस्टेंस है, 12 किलोमीटर। सेवन नंबर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सीशोर एंड रेलवे स्टेशन 36 किलोमीटर। एट नंबर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द गार्डन एंड मार्केट, 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर गार्डन और मार्केट के बीच में डिस्टेंस है। नाइन नंबर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड शॉपिंग मॉल। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड शॉपिंग मॉल के बीच में कितना डिस्टेंस है वो बताना है, 16 किलोमीटर। टेन नंबर, विच प्लेस इज नियरेस्ट टू गार्डन। गार्डन से नियरेस्ट पास में कौन सा है प्लेस, कौन सी प्लेस है पास में वो बतानी है, शॉपिंग मॉल और मार्केट। विच प्लेस इज नियरर टू द गार्डन, गार्डन के पास में शॉपिंग मॉल और मार्केट, तो कौन सा नज़दीक है, तो शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल। क्वेश्चन नंबर थ्री, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द मैप गिवन बिलो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द मैप गिवन बिलो। आपको ये मैप बताया है वो हिसाब से नीचे के आंसर्स बताने हैं। एक कमु साहू से और मोहित साहू से, अभी नीचे आपको उसके आंसर्स देने हैं, क्वेश्चन पूछे हुए हैं। वन नंबर, इंडिकेट द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम कमुस होम टू मोहित होम इन द मैप। अभी आपको इधर से मैप चालू करते हैं तो शॉर्ट रास्ता कौन सा है, कमू होम्स के मोहित होम्स, तो कमू होम्स शॉर्ट रास्ता है इधर से यहाँ तक। टू नंबर, इंडिकेट द लॉन्गेस्ट रूट फ्रॉम मोहित होम टू कमू होम इन द मैप। अभी मोहित होम से कमू होम्स का लॉन्गेस्ट रास्ता बता रहे हैं इधर से यू। थ्री नंबर, इन हाउ मैनी वे कैन मोहित गो टू कमूस होम, क्वेश्चन मार्क किया है कि इन हाउ मैनी वे कैन मोहित गो टू कमूस होम। मोहित है वो कमू के होम घर पे कौन से रास्ते से जाएगा, इंडिकेट देन इन द मैप, तो उसका कौन सा रास्ता सही लगेगा, तो मोहित को होम इधर से जाएंगे तो यहाँ से नजदीक है उसका। फोर नंबर है, क्वेश्चन नंबर फोर, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स दिए है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। अब इसमें देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। नंबर, स्केल्स, रियल डिस्टेंस और डिस्टेंस इन मैप। वन नंबर, 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 किलोमीटर है, तो इधर बताया है 15 रियल डिस्टेंस है, 15 किलोमीटर है।
और डिजिटल इन मैप है 15 किलोमीटर। 2 मंथ नंबर है 2 सेंटीमीटर इक्वल 1 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर इक्वल 1 किलोमीटर। तो इधर है 20 किलोमीटर है, और इसका डिस्टेंस इन मैप 14 सेंटीमीटर, 20 किलोमीटर 14 सेंटीमीटर। 10 नंबर 3 सेंटीमीटर इक्वल 1 किलोमीटर, रियल डिस्टेंस 45 किलोमीटर, 135 सेंटीमीटर, 135 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर इक्वल 1 किलोमीटर, 100 किलोमीटर 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। बाय 1 सेंटीमीटर इक्वल 1.5 किलोमीटर, 16 किलोमीटर रियल डिस्टेंस है और डिस्टेंस इन मैप है 40 सेंटीमीटर। 6 नंबर 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर बताया इसमें। एक्सरसाइज नंबर 5, इफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शो 10 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर है 10 किलोमीटर होता है ऑन द ग्राउंड, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। अभी आपको पालनपुर बताया है 1 सेंटीमीटर है 10 किलोमीटर है, 5 है तो 15 किलोमीटर हुए, ऐसे उसका आपको आंसर क्वेश्चन दिए उसका आंसर बताना है सेंटीमीटर के हिसाब से, किलोमीटर बताना है। 1 है 10 है, 2 से 20 होगा, 5 से 50 होगा, ऐसे आपको बताना है। बी 1 नंबर दिखाए देखो आपको, इधर पालनपुर उंझा महसाना नंदाशन कलोल अडालज सुभाष ब्रिज है अहमदाबाद है। अभी 1 नंबर में बताया है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पालनपुर एंड महसाना, पालनपुर और महसाना में कितना डिस्टेंस है बीच में वो बता रहे हैं। तो ये पालनपुर है और महसाना है, तो 1 सेंटीमीटर है 10 किलोमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर है बीच में और 2 है, पालनपुर और महसाना के बीच में 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो 5 का 50 हुआ 20 हुआ, तो 5 17 किलोमीटर हो गए, 17 किलोमीटर। 2 नंबर में है वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन महसाना एंड अडालज, ये महसाना है और ये अडालज है, तो उसके हिसाब से अपने बताना है डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक का हम निकालेंगे तो 60 किलोमीटर होता है, 60 किलोमीटर। जैसे ये 2 है तो 20, 20, 40 और 50 और 5, 5 मिलाएंगे तो 10 हो जाएंगे, तो वो होगा 60। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन महसाना एंड अडालज 16 किलोमीटर। ये नंबर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन उंझा एंड अहमदाबाद, उंझा और अहमदाबाद, अहमदाबाद है और उंझा है, तो 100 किलोमीटर होता है, इसके डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, उंझा से अहमदाबाद तक 100 किलोमीटर। 4 नंबर स्टेट द डिस्टेंस फ्रॉम नंदासन टू सुभाष ब्रिज, नंदासन है और ये सुभाष ब्रिज दिया है, तो कितना किलोमीटर है वो बताना है, तो 45 किलोमीटर होता है, 45 किलोमीटर नंदासन सुभाष ब्रिज के बीच में। 5 नंबर स्टेट द डिस्टेंस फ्रॉम पालनपुर और टू कलोल, पालनपुर और कलोल के बीच में होता है 115 किलोमीटर डिस्टेंट है, 115 किलोमीटर। 6 नंबर विच डिस्टेंट इज मोर डिस्टेंस फ्रॉम नंदासन टू उंझा और डिस्टेंट फ्रॉम कलोल टू अहमदाबाद, तो किसना मोर ज्यादा है वो बताना है डिस्टेंस अपने को, तो नंदासन टू उंझा का
ज्यादा है, मोर यानी ज्यादा। सेवन नंबर, विच डिस्टेंस इज लेस यानी कम, डिस्टेंस फ्रॉम कलोल टू मेहसाना और डिस्टेंस फ्रॉम नंदासन टू अडालज, तो नंदासन टू अडालज का अडालज के बीच में लेस यानी कम है, उसके बारे में बताना है। एक्सरसाइज नंबर सिक्स है, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ 1 cm² किड ऑन 1/2 cm² किड एंड फाइंड देयर एरिया, आपको ये हिसाब से बनाना है। 335 एरिया सेंटीमीटर है, 125 सेंटीमीटर है, इसमें 1255 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, इसमें ड्रॉ द पिक्चर ऑफ 1/2 cm² गिड ऑन द 1 cm² गिड, वो हिसाब से ऐसे उसको करना है, ये पिक्चर्स के हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ द फॉलोइंग पिक्चर ऑन 1/2 cm² गिड एंड ऑन ए 2 cm² गिड, वो हिसाब से आपको 1/2 में बनानी है 2 cm के हिसाब से, जैसे इधर आपको बताया है वैसे नीचे इसमें वो हिसाब से ड्रॉ करेंगे 1/2 cm से हिसाब से, समझ गए के? अंडरस्टूड?